अपने गुनाहों को इंसान चलाकी और धोखे से इस दुनिया से तो छुपा लेता है, लेकिन कुछ गुनाहों की सज़ा उसे इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। ऐसी भयानक सज़ा जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। ये कहानी एक फैमिली की है, साहिल, अबीर और उनका 6 साल का बच्चा अयान। उनकी शादी को 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन अयान के पैदा होने के पहले से ही दोनों में झगड़ों की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं थे। उनकी शादी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। वक्त के साथ साथ दोनों की नोकझोंक बढ़ती गई और ये लड़ाइयाँ फिजिकल वायलेंस तक जा पहुँची। वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स चाहते थे, लेकिन अपने बेटे अयान की वजह से जैसे तैसे करके एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहे। वक्त के चलते उनकी आर्गुमेंट्स बढ़ते रहे और नफरत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी थी। और फिर एक रात वो भयानक हादसा हुआ। उस रात उनका बेटा अयान अपने बेडरूम में सो रहा था कि तभी एक छोटी सी बात पे दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो गया और वो छोटी सी लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गुस्से में साहिल ने अबीर को जान से मार दिया। साहिल का गुस्सा जब ठंडा हुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि मुझे अब बचने के लिए इसे दुनिया से छुपाना पड़ेगा। वो अबीर की लाश को घसीटते हुए बाहर अपने गैराज में ले गया और उसकी लाश को कार की डिग्गी में डाल दिया। उसने कार स्टार्ट की और गाड़ी को ड्राइव करता घर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया। रात के अंधेरे में उसने कार का ट्रंक ओपन किया और अबीर की डेड बॉडी को निकाल कर अपने कंधे पर उठा लिया और उसे एक पुराने दलदल के पास ले आया। उस दलदल से मरे हुए जानवरों की सी बू आ रही थी। साहिल ने लाश घसीटते हुए उस दलदल के बीचों बीच रख दी। अबीर आहिस्ता आहिस्ता दलदल में धंसती जा रही थी। साहिल पास खड़ा अपनी बीवी की लाश को डूबता हुआ देख रहा था। जब वो पूरी तरह दलदल में डूब गई तो साहिल अपने घर वापस आ गया। अपने जिस्म से खून के धब्बे और दलदल की बू मिटाने के लिए वो नहाने चला गया। वो अपनी बॉडी को स्क्रब करता रहा, लेकिन वो भयानक स्मेल उसके जिस्म से जा ही नहीं रही थी। आखिरकार थक हार कर वो बाहर आ गया और सोने के लिए लेट गया। वो इतने सुकून की नींद सो रहा था जैसे मानो उससे अपनी बीवी के कत्ल का कोई पछतावा ही ना हो। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने सोचा कि अगर अयान ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। उसने डिसाइड किया कि वो कहेगा कि उसकी माँ कुछ दिन के लिए अपने भाई के घर रहने के लिए गई है। अगली सुबह साहिल किचन में नाश्ता बनाने लग गया। अयान भी अब नींद से जाग चुका था। दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। स्ट्रेंज बात यह थी कि अयान ने अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। वो बस बार बार साहिल को अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। साहिल को अभी भी अपने जिस्म से उसी दलदल की भयानक बू आ रही थी जहाँ उसने अबीर की लाश को डिस्पोज किया था। उसने एयर फ्रेशनर लिया और घर में जगह जगह स्प्रे करने लगा। वो स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि एयर फ्रेशनर का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद अयान लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। साहिल अब बहुत अनईजी हो रहा था। उसके माइंड में अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसने नोटिस किया कि जब भी वो अयान के सामने जाता है तो उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहा होता है। साहिल अब नर्वस होता जा रहा था और इन सोचों ने उसे पैरानॉइड कर दिया था। उसके जहन में आने लगा कि कहीं अयान को पता तो नहीं चल गया कि उसकी माँ को मैंने मारा है। शायद उसने रात को बॉडी ले जाते हुए मुझे देख लिया होगा,
अगर वो ये सब जानता है तो उसे भी मरना होगा। साहिल बाहर लिविंग रूम की तरफ गया जहां यान टीवी देख रहा था और उसने अपने बेटे से पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? अयान ने चंद सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया, हाँ। साहिल ने कहा, क्या वो तुम्हारी माँ के बारे में है? अयान ने जवाब दिया, हाँ। साहिल ने कहा, शायद तुम ये पूछना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है? अयान ने कहा, नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मॉम के चेहरे को क्या हुआ है और आप सुबह से उन्हें अपनी कमर पे उठाए क्यों घूम रहे हो? Ha 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 ha!